विद्यार्थियों, आज के हमारे वीडियो में हम महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनके जो है जीवन परिचय, विचार और उनके जो द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसी वीडियो में हम देखते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, है ना। तो महात्मा गांधी जो थे वो एक आध्यात्मिक संत थे जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था, लेकिन महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं वरन लौकिक थी। वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और यह मैं जब तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। परिस्थितियों से बाध्य होकर जो उन्होंने, इस आध्यात्मिक संत ने न केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया वरन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता का अत्यंत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब कुछ करने के पर भी महात्मा गांधी अपने मूल रूप में आध्यात्मिक संत बने रहे और उन्होंने आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विविध राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने एक बार पोलक से कहा था, मैंने राजनीति का चोंगा पहन रखा है किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। सन 1929 में उन्होंने अरुणडेल को लिखा था, मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं धर्म की ओर है। गांधी जी की विचारधारा का मूल तत्व यह है कि अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्याएं नैतिक समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मा की पुकार के अनुसार करें तो समाज अथवा विश्व में दुख, संकट तथा समस्या जैसी चीज ही नहीं रह सकती है। एक स्वस्थ राजनीतिक समाज तथा विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक नैतिक बल तथा प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपने आत्मा का की सचेतन आवाज को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार एवं दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। इसलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों एवं राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते। उनके मत के अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नैतिकता के जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीति में समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए। तो इस प्रकार गांधी जी का समस्त दर्शन राजनीति तथा समाज के प्रति उनका आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी का, महात्मा गांधी जी दार्शनिक थे और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उन्होंने अपने हृदय में घर कर लेता था उसे व्यवहारिक जीवन में उतारते थे और स्वयं अनुभव करने के बाद ही उसे दूसरों के सम्मुख रखते थे, है ना। उन्हीं के शब्दों में, मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ अभ्यास में लाने की योग्यता रखता हूँ। ऐसी स्थिति में गांधी दर्शन के का भली भांति अध्ययन उनके जीवन परिचय की पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी माता सदाचारिता और निष्पक्षता की एक बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी।
मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। मैट्रिक परीक्षा के बाद 1888 ईस्वी में उनको कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। सन 1891 ईस्वी में लंदन लौटे और उन्होंने वकालत प्रारंभ की थी। काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के काले गोरे के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। सन 1906 से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना शर्त किसी जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमादारों के अत्याचारों की जाँच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। इसके एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में कर नैदो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की। इसी समय गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलट एक्ट के विरुद्ध दमनकारी कानून पास किए गए, यानी कि रोलट एक्ट के रूप में जो दमनकारी कानून बना और अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा। उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन ने भारत की जनता को जागृत करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि गांधी की एक वर्ष में स्वराज्य की कल्पना चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ साथ ही आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा और 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को, जबकि वह चरमोत्कर्ष पर था, स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दी गई, परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 को जेल से मुक्त कर दिया गया। इस आंदोलन के आधार पर स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का इसने संचार किया। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के साथ ही हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वो फिर प्रारंभ हो गए और गांधी जी को इनसे बहुत दुख पहुंचा। 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन तक का अनशन किया था। 1930 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभी ने अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी के जीवन पर जो है उन्होंने गांधी जी के जीवन में जो बहुत सारे जो है उन्होंने जो तरह तरह की यातनाएं देखी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, उन्होंने बहुत से जो है देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो प्रयास किए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 में जब भारत की बहुत स्वतंत्रता, बहुत कुछ उनके प्रयत्नों का परिणाम ही कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में वो कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया।
हिंदू मुस्लिम एकता, दलित उद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनकी जो दर्शन के जो प्रेरणा स्रोत के रूप में जब हम देखें तो पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। उन सबसे पहले तो उन पर उनकी माता की जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी का अमिट प्रभाव पड़ा। वैष्णव हिंदू धर्म के संस्कार भी उनमें थे, है ना। और अन्य प्रभावों में जैन, बौद्ध धर्म, गीता, उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश एवं प्रमुख रूप से जैन साधक श्री रामचंद्र जी के संपर्क का उल्लेख किया जा सकता है। अपनी विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध धर्म से दर्शन से उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने प्रथम चरित्र लेखक एवं मिशनरी डोक को बताया था कि अहिंसा प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी, जिसका सारांश था, यदि तुम्हें कोई पानी पिलावे और तुमने भी उसके बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है, अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत गीता और जो कवि उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, है ना, पश्चिमी स्रोतों में जब हम देखते हैं तो बाइबिल का उस अध्याय पर्वत प्रवचन जो है, तथा टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाओं का भी उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। पर्वत प्रवचन से उन्होंने इस बात को ग्रहण किया था कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हें दाएं गाल पर चाटा मारे उसके बाएं गाल पर भी आगे कर दो और अपने शत्रु से प्रेम करो। गांधी जी ने 1896 ईस्वी में नेपाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पोलक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से एक गुजराती में अनुवाद किया। इस पुस्तक से उन्होंने तीन बातें सीखीं। एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। एक वकील का कार्य भी उतना ही महत्व है जितना कि नाई के कार्य, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार है। और तीसरा, शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया, आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया, जीवन में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में धर्म को महत्ता दी और पूंजीपतियों से यह अपेक्षा तथा आशा रखी कि वे मजदूरों के संरक्षक बने और उनसे पितृतुल्य व्यवहार करें। उन पर जो है अराजकतावादी लेखक, अमेरिकन अराजकतावादी लेखक जो है हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा और थोरो से यह सिद्धांत की भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वाले के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। थोरो जो है मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राज्यहीन समाज के आदर्श में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था और दास प्रथा के प्रश्न पर उन्होंने अमेरिकन सरकार के साथ निष्क्रिय प्रतिकार के मत का समर्थन किया था। उनका विचार था कि दास प्रथा जैसे नैतिक प्रश्न पर राज्य की आज्ञा भंग कर इस विषय से संबंधित कानून को तोड़ा जाना चाहिए और इस संबंध में अहिंसा का पालन आवश्यक नहीं है। उन्होंने थोरो की विचारधारा को संशोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि सरकार के अनैतिक कानूनों का तो विरोध अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हमारा व्यवहार अहिंसक ही होना चाहिए। उन्होंने टॉलस्टॉय की रचनाओं संक्षिप्त सुसमाचार क्या करें तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है उन जो है उनसे भी बहुत प्रेरणा ग्रहण की और इनमें अंतिम पुस्तक उन पर बहुत स्थायी प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक के अध्ययन से पूर्व गांधी जी के मन में अहिंसा के संबंध में जो अनेक संदेह थे उनका निराकरण हुआ था, है ना। इसके अतिरिक्त गांधी जी पर कार्यालय की वीर पूजा, हजरत मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।